रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक सबको अपने माल में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी पीनट चक्की यानी मूँगफली तैयार करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार होती है और ये सर्दियों की खास मिठाई मानी जाती है। तो इसलिए आज एक ख़ास सब्सक्राइबर ने मुझे ये ऑफ़र किया है कि ये मुझे बना के दें पीनट चक्की। तो आज हम बनाएंगे, एक कप मेरे पास चीनी है और एक कप मेरे पास मूंगफली है, ये कुछ मेरे पास ग्रीन इलायची के दाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डाल लीजिए, चूल्हे को ऑन कर ले, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा। इसके हम अंदर ये मक्खन ऐड कर लेते हैं और इसको बिल्कुल आराम आराम से ना आपने फ्राई करना है। चीनी को बिल्कुल आराम आराम से आपने हलाना है इसको ऐसे, ताकि वो नीचे ना लगे। ये देखिए इसका रंग चेंज हो गया आस्ता आस्ता करके, ये करामल की शक्ल में आ गया, आ रही है अब आस्ता आस्ता चीनी हमारी। तब आपने इसको ऐसे ही बस ना और ज़रा इसको इसका कलर और ज़रा चेंज करना है हमने। ये देखिए अभी और इसका रंग चेंज हुआ है, अभी हम इसका ना और कलर चेंज करेंगे, ठीक है? घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सब्र से आपने इसको बनाना है, बहुत आराम से तैयार करना है आपने इसको। अभी हम डाल देते हैं इसके अंदर, अभी इसका कलर और चेंज करते हैं थोड़ा सा। मूंगफली पहले ही वो भुनी हुई मिली है हमें, तो अगर आपके पास भुनी हुई के बगैर है आपके पास, तो उसको आप भून लीजिएगा, जब वो अच्छी तरह उसकी खुशबू आने लगे तो उसके छिलके उतार लीजिएगा, ठीक है? तो मुझे ये भुनी हुई मिली है, इसको हम ऐड करेंगे। अब अभी थोड़ा सा इसका ज़रा और कलर चेंज हो जाए ज़रा, देखिए करामर की शक्ल आ रही है इसकी अब माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो अब हम इसके अंदर ही ना मूंगफली ऐड कर देते हैं। बस आप अपने ना इसको फौरन ही ना अपने ट्रे के ऊपर डाल देना है, ठीक है? ऊपर पहले तेल लगा लीजिएगा ताकि उतारने में आसानी रहे आपको। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, बस जब ठंडी होती है तो फिर हम इसके पीस कर लेते हैं, ठीक है? अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही हमारी पैनट चक्की तैयार हो गई है माशाल्लाह। तो आप इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी तैयार होएगी। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे आपके साथ। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर कीजिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।